हरे कृष्णा। आजकल काउ कडलिंग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। विदेश में भी हम देखते हैं कि लोग पैसे देके गाय को आलिंगन देना और उससे फिर मानसिक तनाव कम करना, इस प्रकार से प्रयास जारी है। वैसे देखा जाए तो वैदिक सभ्यता में भी हम देखते हैं कि गाय की सेवा का बहुत ही महत्व पहले से था। भगवान श्री कृष्ण जब वो छोटे बच्चे के रूप में इस संसार में अवतरित हुए थे, उस समय भी जब कोई असुर वृंदावन में आता था तो उनकी रक्षा करने के लिए माँ यशोदा गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र और गोपुच्छ, इनका प्रयोग किया करते थे। तो इस प्रकार से सारा विश्व आज गो सेवा की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि कई जगह पर ऐसा भी हो रहा है कि गाय की हत्या भी होती है, तो उसको हमें रोकना होगा और गो सेवा, गो संवर्धन, गो वंश संवर्धन, इनको हमें प्रोत्साहन देना होगा। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता में कहा जाता है कि गाय हमारी माँ है। तो जब हम गाय को आलिंगन देते हैं, गाय को स्पर्श करते हैं, तो उस समय हम हमारी माँ के गोद में है, ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। तो इतना ये हमसे प्रेम भी करती है, ये है गो सेवा। वैदिक सभ्यता के अनुसार यदि देखा जाए तो आज हम लोग जो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 4G नेटवर्क हम सबको चाहिए। लेकिन वैदिक सभ्यता बताती है कि ये दूसरे 4G है, 4G है, जिनका हमने पालन करना चाहिए। सबसे पहला है जी, वो है गीता। गीता का अध्ययन करना चाहिए और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा जी है गंगा। गंगा की पवित्रता को हमने बनाए रखना चाहिए। तीसरा जी है गाय। गाय की सेवा होनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और चौथा जी है गोविंद या गोपाल। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरातल पर जब वो अवतरित हुए थे, उन्होंने गायों को चराया था और गायों की सेवा की थी और कृषि प्रधान संस्कृति का उन्होंने पुरस्कार किया था। तो इस प्रकार से यदि इन 4G को, क्योंकि विश्व में आज हम लोग देख रहे हैं मानसिक तनाव केवल एक समस्या नहीं है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस, ये सब बढ़ते जा रहे हैं और उन सब से हमें छुटकारा पाना है तो हमें कहीं ना कहीं न केवल गाय को लेकिन पूरी वैदिक सभ्यता को आलिंगन देना होगा। जो वैदिक 4G मैंने आपको बताया, उन सब का हमें स्वीकार करना होगा। भौतिक प्रगति में आगे जाए उसमें केवल चकाचौंध बढ़ेगी, लेकिन ये अंदर से समाज खोखला ही रहने वाला है। तो यदि हमें उसे अंदर से मजबूती देनी है, वैदिक सभ्यता के अलावा हमें और कोई दूसरा चारा नहीं है। और इस प्रकार से हम भी गाय को कभी कुछ खिलाते हैं, गाय का गोमूत्र है वो हमारे स्नान के जल में डालते हैं। और कई साल से तो मैंने साबुन का भी इस्तेमाल नहीं किया है, हम लोग जो गाय का गोबर से बना हुआ अंगराग है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी इस प्रकार से, जो सारा विश्व गाय को माता मान रहा है, आप भी इस प्रकार से गाय को अपनी माता मान सकते हैं, माता का दर्जा दे सकते हैं और उसके संवर्धन के लिए प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा।